हेलो पीपल, वेलकम टू कनेक्ट स्टाइल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का वीडियो होने वाला है एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो। जैसे कि आपको टाइटल से पढ़ के पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। मुझे कैसे प्रोडक्ट लगे, कौन सी साइट से मैंने परचेस किया, क्या क्या कौन सी डील में मुझे ये मिले, कौन सी ऑफर डील चल रही थी उस वक्त जो मुझे रिसीव हुआ, काफ़ी अच्छे अमाउंट में, काफ़ी अच्छे प्राइस में मैंने इनको रिसीव किया है। और तीनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्बो ऑफर की डील में चल रहे थे तो मैंने परचेस किए हैं। अब बाकी की डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो एंड तक आपको वीडियो ये देखना होगा कि कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कैसा मुझे इनका रिव्यू लगा, मैंने यूज़ किए तो कैसा इनका जो आउटपुट था, जो रिजल्ट था वो कैसा रहा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पे मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, तीनों ही ब्लू हेवन के हैं और कॉम्बो डील में मैंने इनको रिसीव किया है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने इनको फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। जो फ्लिपकार्ट में ऑफर सेल चल रही थी, ऑफर डील चल रही थी, तब मैंने इनको परचेस किया था। सो काफ़ी अच्छे डील में, काफ़ी अच्छे प्राइस में मेरे को ये तीनों ही प्रोडक्ट्स कॉम्बो ऑफर में मिल गए हैं। सो यहाँ पे मेरे पास है ब्लू हेवन का प्राइमर, ब्लू हेवन का फाउंडेशन और थर्ड प्रोडक्ट है मेरा ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर। सो यहाँ पे मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि आपको इनको क्यों लगाना चाहिए, क्या इनके इम्पॉर्टेंस है मेकअप में और इनका रिव्यू पर्सनली इनको मैंने जब यूज़ किया तो मुझे ये कैसे लगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेकअप प्राइमर की। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है प्राइमर, तो उसका काम भी बिल्कुल प्राइमर जैसा ही होता है। मेकअप यूज़ करने से पहले आप प्राइमर लगाते हैं, जिससे क्या होता है आपका बेस बहुत अच्छा सेट हो जाता है और जब आप मेकअप करते हैं तो एक अच्छा बेस आपको मिल जाता है। बहुत जल्दी मेकअप में आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा मेकअप, फॉल आउट्स इतने जल्दी आपको नहीं होते हैं, आपके जितने भी स्किन पोर्स होते हैं उसमें ये फिल इन होकर आपकी स्किन को एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। और बिल्कुल अगर आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए भी जाएगा, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। ब्लू हेवन प्राइमर परफेक्ट मेकअप बेस स्टूडियो परफेक्शन ऑयल फ्री नॉन ग्रीजी। तो जैसा कि ये ऑयली स्किन है अगर आपकी, या फिर ड्राई स्किन है, ऑयल फ्री है, नॉन ऑयली है, आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पर्सनली मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। मैं अब बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा ही रिजल्ट इसने मुझे दिया, बट हाँ ओके से थोड़ा मुझे अप लगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ठीक ठाक इसने रिजल्ट दे दिया था। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगी ब्लू हेवन के फाउंडेशन की। जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, इन सब के जो प्राइजेस वगैरह हैं क्या है वो सब मैं एंड में आपको डिटेल में बताऊंगी, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये है ब्लू हेवन वाटरप्रूफ मेकअप फाउंडेशन विद SPF। अब यहाँ पे विद SPF तो लिखा है, लेकिन लिखा नहीं है यहाँ पे, बताया नहीं है कि कितने SPF के साथ ये हमें रिसीव होता है। तो अब मैं इसका पर्सनली फाउंडेशन का काम आप सबको तो पता ही होगा, जाहिर सी बात है कई बार हम नॉर्मली मेकअप करते हैं डेली यूज में तो हम फाउंडेशन को यूज़ नहीं करते हैं। सारे ऑल्टरनेटिव आइटम्स मार्केट में अवेलेबल है, CC क्रीम, BB क्रीम, तो ये सब आप लगाते हैं, फाउंडेशन कोई डेली यूज में इतना यूज नहीं करता है। तो अब पर्सनली मैं बात कर लेती हूँ कि ब्लू हेवन का जो मुझे फाउंडेशन है ये मुझे कैसा लगा। तो ये अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जैसा इसमें लिखा है वाटरप्रूफ, तो ना ही तो ये वाटरप्रूफ है और मुझे नहीं लगता कि इसमें SPF लिखा तो है बट इसमें अमाउंट नहीं बताया गया है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट बताना चाहिए था कि SPF 20 के साथ है, SPF 50 के साथ है, या कितना SPF जो भी अमाउंट है इनको स्पेसिफिक यहाँ पे बताना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं बताया गया है। और पर्सनली मैं बात भी करूँ तो इसका शेड कुछ अलग ही तरीके का है और काफ़ी इसमें मैंने और भी शेड्स देखे थे तो सारे ही बहुत ही स्किन टोन से कुछ मैच ही नहीं कर रहे थे, काफ़ी अलग जा रहे थे, बट स्टिल इसको मैंने देखा फेस पे तो ये मेरी स्किन पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। मेरी स्किन को अलग ही, मेरा टोन अलग है और इसका टोन बहुत अलग जा रहा था मेरी स्किन से, बट स्टिल इसका एक शेड, मतलब ये वाला जो मुझे शेड रिसीव हुआ है काफ़ी रेडिश टाइप में है, तो मैंने इसका एज अ कलर करेक्टर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, एज अ कलर करेक्टर इन द सेंस कि अंडर आई एरिया पे या ये जो आपके नोज या जो पिगमेंटेड एरियाज हैं आपके फेस के वहाँ पे एज अ कलर करेक्टर मैंने इसको यूज़ कर लिया। ये मुझे नेचुरल शेड रिसीव हुआ है, बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी ऑफ शेड्स इसमें नहीं अवेलेबल थे। और अगर मैं बात करूँ कि कवरेज की, तो ये ठीक ठाक से भी बहुत कम कह सकते हो आप कवरेज देता है, बहुत अच्छी कवरेज ये नहीं देता है, तो मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और अब मैं बात करती हूँ मेरे तीसरे प्रोडक्ट की, तो जो है यहाँ पे मेकअप फिक्सर, ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर मिस्ट स्प्रे ऑन फॉर्मूला। सो ये पैराबेन फ्री है, गुडनेस ऑफ एलोवेरा, विटामिन ई एंड विटामिन B5 इसमें अवेलेबल है। सो यहाँ पे अगर मैं पर्सनली इसकी बात करूँ कि आप मेकअप फिक्सर क्यों यूज़ करते हैं,
मेकअप फिक्सर को यूज करने के पीछे का रीजन गाइस ये है, आपका मेकअप जब कंप्लीट हो जाता है, आप कंप्लीट मेकअप अपना कर लेते हैं, तो आपको ये जो मेकअप स्प्रे है ये एज अ मेकअप को आप सेट करने के लिए यूज करते हैं। जिस तरीके से आप हेयर स्प्रे यूज करते हैं अपने हेयर्स को सेट करने के लिए, उसी तरीके से मेकअप फिक्सर भी होता है। जब आप पूरा मेकअप आपका डन हो जाता है उसके बाद हम इसको अपने फेस पे इस तरीके से स्प्रे करते हैं अपनी आईज को कवर करते हुए, जिससे क्या होता है आपका जो मेकअप है वो इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मैट फिनिश आपको देगा और काफी देर तक वो सेट रहेगा, इतनी जल्दी यू नो फॉल आउट्स उसमें नहीं होंगे। सो मैं बात कर लेती हूँ, ये तो बात हो गई कि मेकअप फिक्सर का काम क्या होता है, अब हम बात करते हैं कि ये इसका आउटपुट, इसका रिजल्ट मुझको कैसा लगा। सो गाइस जब मैंने इसको यूज किया था तो मुझे इसका रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा था। मुझे लगा था कि शायद इतने अमाउंट में इतना अच्छा मुझे इसका रिजल्ट आउटपुट नहीं मिलेगा कम अमाउंट में, बट ऐसा नहीं है, ये एक मिथ थी। प्राइमर और मेकअप फिक्सर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे हैं, फाउंडेशन का रिजल्ट मुझे बिल्कुल भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा है। एज अ कलर करेक्टर स्टिल मैं उसको यूज कर रही हूँ, बट मेकअप फाउंडेशन को हटा करके प्राइमर और मेकअप फिक्सर का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। जैसा कि आप देख सकते हो अच्छे खासे अमाउंट में ये रिसीव हो जाता है और तीनों ही प्रोडक्ट्स की जो एक्सपायरी डेट है वो 3 इयर्स तक की है, तो काफ़ी अच्छा टाइम आपको मिल जाता है। जब भी आप मेकअप करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा, काफ़ी देर तक इसने मेकअप को मैट फिनिश दी और काफ़ी देर तक सेट रखा इसने मेकअप को। नॉर्मली समर के हिसाब से अगर आपने मेकअप किया है तो ये आप इसको इजली यूज कर सकते हो, और बहुत ज्यादा हैवी मेकअप अगर नहीं किया है, बहुत लाइट मेकअप है तो ये चल सकता है, हैवी मेकअप पे ये इतना ज्यादा देर तक वर्कआउट नहीं करेगा। सो गाइज अब मैं बात कर लेती हूँ तीनों प्रोडक्ट के प्राइसेस की। सो अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअली बात करूँ कि इंडिविजुअली ये प्रोडक्ट कितने के हैं, सो इंडिविजुअली ये है 75 रुपीज का, ये है 300 रुपीज का और ये भी है 300 रुपीज का, और मुझे कॉम्बो में ये पड़े हैं 400 से भी कम के, यानी अंडर 400 आप बोल सकते हो कि अंडर 400 मैंने ये तीनों ही प्रोडक्ट्स खरीद लिए हैं। प्राइस को लेके और इसकी क्वालिटी को लेके मैं थोड़ा सा सोच में थी कि कैसे आएंगे, क्या रिसीव होंगे, जो रिजल्ट इनको देना चाहिए वैसे देंगे या नहीं, बट स्टिल मेकअप फाउंडेशन हटा के दोनों ही प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगे। जो भी इनके प्राइस है, प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली अगर आप हाई प्राइस में जाते हो तो उनके जो प्राइमर और मेकअप फिक्सर के आउटपुट हैं उनकी बात अलग हो जाती है, बट यहाँ पे इस प्राइस रेंज में मैंने आपको बताया तो इस प्राइस रेंज में मुझे इनके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे हैं। सो अगर आप बजट फ्रेंडली मेकअप फिक्सर और प्राइमर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इन दोनों का कॉम्बो आप ले सकते हैं, काफी बजट फ्रेंडली भी आपको पड़ जाएगा और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। अगर मैं इनकी पैकेजिंग की बात करूँ तो मेकअप फिक्सर नॉर्मली जो इसकी बॉटल है नॉर्मली प्लास्टिक की बॉटल में ही आता है, ये कोई ग्लास बॉटल नहीं है इसकी, इस तरीके से इसका कैप है और यहाँ पे डबल कैप दिए गए हैं, ये एक ऊपर का फर्स्ट कैप था और उसके बाद में सेकंड कैप है जो इसका स्प्रे है, इसमें सेकंड कैप है, इस तरीके से आप इसको खोल करके अपने यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और अगर मैं फाउंडेशन और प्राइमर की बात करूं तो नॉर्मली जैसे पैकेजिंग होती है प्लास्टिक ट्यूब्स में, वैसे ही इनकी पैकेजिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। सो गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, टिल देन स्टे हैप्पी।